एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रूम। मैं हूँ समरीन और आज हम हैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में एमजी एस्टर के ड्राइव के लिए। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने अपने वॉक अराउंड वीडियो में आपको एमजी एस्टर के डिज़ाइन, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताया था। आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एमजी एस्टर के परफॉर्मेंस पे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस एसयूवी की ड्राइविंग डायनामिक्स, सस्पेंशन सेटअप, एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग के बारे में। तो चलिए पता करते हैं हाउ डज दिस एसयूवी परफॉर्म ऑन द इंडियन रोड। इससे पहले कि हम आपको इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, लेट मी गिव यू अ स्नीक पीक अबाउट इट्स डिज़ाइन एंड फीचर्स। इस एसयूवी के सेलेस्टियल ग्रिल, हॉकाई शेप्ड एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लैम्प्स एंड टर्बाइन इंस्पायर्ड 17-inch अलॉय व्हील्स इस पूरे एसयूवी को एक स्पोर्टी एंड अग्रेसिव स्टांस देता है। डिज़ाइन की बात करें तो ये एसयूवी काफ़ी प्रोपोर्शनेट है अपने राइवल्स किया सेल्टोस, ह्यूंडई क्रेटा एंड स्कोडा कुशाक के सामने। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। एमजी एस्टर में आपको मिलेंगे 3 इंटीरियर कलर थीम्स और आज जो हमारे पास गाड़ी है इसमें हमें मिल रहा है डुअल टोन सैंग्रिया रेड कलर। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो एमजी एस्टर कम्स इक्विप्ड विद एआई पार्ट पर्सनल असिस्टेंट, 10.1-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा जियो का ई सिम विद 80+ कनेक्टेड फीचर्स। बिसाइड्स दैट यू विल गेट फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ऑटोमेटिक एसी। अगर इसके अलावा आपको ये सारे फीचर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो यू कैन वॉच आर वॉक अराउंड वीडियो। हमने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, यू कैन गो एंड क्लिक देयर एंड वॉच द वीडियो। अब बात करते हैं इंजन ऑप्शंस के बारे में। एमजी ने एस्टर में प्रोवाइड किया है 2 पेट्रोल इंजन्स। पहला है 1.5-liter नेचुरली एस्पिरेटेड यूनिट दैट चर्न्स आउट 108 bhp पावर एंड 144 न्यूटन मीटर टॉर्क। ट्रांसमिशन ऑप्शन यहां पर आपको मिलेंगे 5-speed मैनुअल और 8-speed CVT गियर बॉक्स। द अदर वन इज 1.3-liter turbocharged 220 unit that develops 138 bhp power and 220 newton meter torque. Yahan pe aapko transmission options milega 6-speed automatic transmission jo ki aaj hamare paas hai. Jaisa ki abhi humne aapko bataya iske engine options ke bare mein, ab hum baat karenge iske on road performance ke bare mein. हम पिछले 2 घंटे से ट्रैक पर इस गाड़ी को चला रहे हैं और हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे इसके जो ब्रेक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका ब्रेक्स काफ़ी स्मूथ है। सो अगर आप गाड़ी रोड पर 80 के स्पीड पर चला रहे हो, 80 किलोमीटर्स पर आर के स्पीड पर, और अगर आप अचानक से ब्रेक मारते हो तो ये काफ़ी स्मूथली उसको हैंडल करता है एंड गाड़ी एकदम से स्टॉप हो जाती है। कोई तरह की हैसल नहीं होगी और किसी भी तरह का अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा आपको अंदर बैठे। दूसरा, जब हम बात करें इसकी सस्पेंशन की, तो बहुत ही स्मूथ सस्पेंशन सेटअप एमजी ने इसे दिया है। हमें काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर्स मिले रास्ते में, बट इसके सस्पेंशन ने इसको अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया। आप अपने कैबिन के अंदर बैठे हो तो आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। पॉट होल्स और स्पीड ब्रेकर्स को ये काफ़ी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेता है। तीसरा, हम बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ आपको 3 मोड्स मिलेंगे स्टीयरिंग व्हील के, डायनामिक, मैनुअल एंड अर्बन। डायनामिक में आपको हैवी स्टीयरिंग मिलेगी जो मोस्टली हाईवेज पे यूज़ होता है, तो हमने डायनामिक मोड में भी चलाया। एंड जो अर्बन है वो सिटी ड्राइव के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, उसमें आपको लाइट वेट स्टीयरिंग व्हील मिलती है और ग्रिप काफ़ी स्मूथ है। लास्टली हम बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है एमजी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बिकॉज जो एक्सेलरेशन पेडल है उस पर काफ़ी फोर्स लगाना पड़ता है टू गेट द डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ स्पीड। एमजी एस्टर 5 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है और आज जो गाड़ी हमारे पास है वो है स्टारी ब्लैक कलर में। अकॉर्डिंग टू मी द डिज़ाइन इज़ अमेजिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट कम्स विथ फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट फीचर्स। प्राइस की बात करें
तो ये टोटली डिपेंड करता है कि MG इसको कैसे कॉम्पिटिटिवली प्राइस करेगा। बेस्ड अगर आप इसके राइवल्स को देखें तो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट में, तो इसका जो पूरा सक्सेस मीटर है वो इसके प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय हिटिंग द बेल आइकन। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू MG Aster देन यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आवर टीम इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट। हम जल्द ही लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, वेयर मास्क एंड गेट वैक्सीनेटेड।